जिस समय कर्ण को सेनापति बनाया गया है तो पांचों पांडवों में खलबली मच गई। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण ने कहा, है कुछ मुझसे दूर नहीं, मैं करता और अकरता हूं, पर पांच बाण जो कर्ण के पास है उनसे मैं भी डरता हूं। उन पांचों बाणों को लेने के लिए राजमाता कुंती को भेज दिया जाता है सूर्य उदय के समय कर्ण से दान लेने के लिए। और श्री कृष्ण ने कहा, अरे भुआ, आज भेद भी खोल देना, कोशिश करना कर्ण अपनी तरफ से आ जाए। तो यहां की ये रागनियां हैं, आइए सुनिएगा। आज इस सूत पुत्र कर्ण के दरवाजे पर राजमाता कुंती का आगमन हुआ है, ये तो मेरे बड़े अयोभाग्य हैं, परंतु ये पासा कैसे पलट गया एक सूत पुत्र के यहां, और पांचों पांडवों की माता कैसे पधारी है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और कहिए महारानी कुंती। प्रणाम तुम्हारा स्वीकार है बेटे कर्ण, लेकिन आज जिसे तुम महारानी कुंती कह रहे हो ये अपना कोई मान सम्मान या आदर सत्कार करवाने तुम्हारे पास नहीं आई है, तो बल्कि कुछ काम से आई है। मेरे जैसे सूत पुत्र के यहाँ राजरानी पटरानी महारानी कुंती को क्या कार्य हो सकता है? कार्य ऐसा है, एक बहुत जरूरी बात है जो तुमसे करने आई हूं मैं। मैं तुम्हारी विरोधी सेना का प्रमुख सेनापति हूं और तुम मुझे बात करने यानी कि कोई भेद बताने के लिए आई हो। हाँ, इस दुनिया ने जिस भेद को नहीं जाना आज तक मेरे सिवाय और उस ऊपर वाले के सिवाय इस भेद को कोई नहीं जानता, वो भेद आज मैं तेरे सामने रखने आई हूं, तुझे बताने आई हूं। क्या कहने आई हो? मैं ये बताने आई हूं कि रिश्ते में जिसे तुम महारानी कुंती कह रहे हो, हाँ, ये महारानी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ लगती है। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हो। नहीं, और महारानी कुंती राज के अभिमान में आकर के मेरी आदरणीय माँ राधे का अपमान ना करें। मैं केवल राधे पुत्र हूँ, केवल। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जैसे कि इस राज को कोई नहीं जानता, शायद तू भी यकीन ना करे, लेकिन बेटा मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ। अगर तुम मेरी जन्म देने वाली माँ हो तो आपके पास सबूत क्या है कि तुम मेरी माँ हो? मेरे पास सबूत है, आज मैं तेरे जीवन की वो पूरी सच्चाई बता दूंगी जिसके कारण मैंने मजबूर होके अपने आप से तुझे अलग कर दिया मेरे बेटे। बताइए। सुनिए, मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मागे हरे, तेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मागे हरे। के सिवाय कुछ नहीं दिया, दर दर की तूने ठोकर खाई, तुझे वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, वो सब मेरे कारण हुआ, सारी गलती मेरी है, लेकिन अब इस गलती का हर्जाना मैं तुझे नहीं भुगतने दूंगी। मेरे बेटे सुन ले मेरी बात,
कुछ जीने के खारे दे, करण बली तेरे दोष लगा मेरे कर्म के मारे दे। मैं समझ नहीं पाया कि भुनगे ही लिकड़िया करते हृदय गूलर का पाड़े थे। हाँ। इससे क्या ये साबित हो गया कि मैं तेरा बेटा हूँ? हाँ। कैसे साबित करूंगी मैं, क्योंकि एक समय की बात है बेटा जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। बताइए। सुन ले, मंत्र सेवा सब दुर्वा साथ पाया था, मंत्र पे विश्वास कराना मन सूरज पे आज माया था, न मिटे ऋषि के वचन करने तूने कुआरी ने जाया था। सूबेदार राम अवतार माजरी कला कई सौ रुपए पहले दिए हैं, 50 रुपए फिर से दे रहे हैं। आपने जो लिख के भेजा मैं इसका गा के जवाब दूंगा आपको। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि आए, उस समय मेरी अवस्था कुंवारी की थी बेटा, और उन्होंने मेरी भक्ति भाव से प्रश्न होके मुझे एक मंत्र दिया और मुझे ये कहा कि जिसका नाम लेके इस मंत्र का जाप करेगी उसी की कृपा से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। जैसे ही मैं सुबह उठी, स्नान ध्यान करके मैंने वो मंत्र सूर्य देव को देखकर वो रटना शुरू कर दिया, जाप कर दिया मंत्र। हाँ, और उन्हीं की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन एक अनहोनी भी मैंने कर दी। अगर तूने जन्म दिया हाँ तो क्या पालन पोषण करने का तेरा धर्म और कर्तव्य नहीं बनता था? मेरा कर्तव्य बनता था, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उस मजबूरी ने भी बता दे। सुन ले, माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने
दरिया में बहा दिया, अगर दरिया में बहा दिया तो फिर तेरा अधिकार भी नहीं रहा। जिसने मेरी जान बचाई, मेरी जिंदगी को पाल पोस के बड़ा किया, तेरा फिर भी कोई अधिकार नहीं रहा। मेरी माँ तो फिर भी राधे रही। मैं मानती हूँ कि तेरी माँ राधे है, लेकिन आखिरकार बेटा 9 महीने गर्भ में रखा है, खून से सींचा है, तुझे जन्म दिया है, इतना तो अधिकार मेरा बनता है कि सिर्फ एक बार मुझे माँ कह दे। चाहती क्या हो? मुझे माँ कह दे मेरे बेटे। गा के बताओ। सुन ले। मुझे माँ कहे तू, क्योंकि आखिरकार तू मेरा बेटा है, जन्म दिया है मैंने। सुन ले मेरी बात। माड़ी बढ़ के सीचाना परी, मेरा लगाया बागी है तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बेरा।